मैं चतुर्दशी और पूर्णिमा आज दोनों हैं, आज पूरी पूर्णिमा है, तो मैं कार्तिक पूर्णिमा पर अमरकंटक गई थी। दो दिन वहाँ रही, वहाँ कार्तिक स्वामी की प्रतिमा है जिनके नाम पर कार्तिक मास पड़ा है, और कल का दिन वहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है चतुर्दशी की रात, क्योंकि कार्तिक स्वामी ने चतुर्दशी को ही दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी और वो अमरकंटक में नर्मदा किनारे शांति प्राप्त करने के लिए बैठ गए थे थकान उतारने के लिए। तो उस स्थान की महिमा बहुत है, मैया जी के कारण तो है ही, इस कारण से भी है कि कार्तिक स्वामी विजय प्राप्त करके वहाँ विराजमान हुए थे, क्योंकि उनके पिता का भी प्रिय स्थान था, वो तो वहीं थी। तो वहाँ एक बड़ी अद्भुत घटना हुई, मैं कल जंगल में घूमने निकली पैदल और मैंने फोर्स को कम कर लिया, पुलिस को, बस दो PSO थे। तो वहाँ दो लोग थे तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्हें मैंने कहा आप किस लिए खड़े हैं, तो उन्होंने कहा हमारी गाय अभी बच्चे को जन्म देने वाली है। तो मुझे ये बहुत अद्भुत इशारा लगा भगवान का, और मैंने उनको बंजीरी और गुड़ मंगवा के रख दिया एक PSO को दौड़ा के गाड़ी से, और फिर मैं उनके टोले में पहुंच गई रात को गाय को मिलने के लिए। तो पता लगा बछड़ी जन्मी थी, तो उनने आदिवासियों के परिवार थे वो, तो मुराबी ने मेरे को कहा कि गाय का नाम चांदनी है तो आप बच्ची का नाम और रख दीजिए, तो मैंने उसका नाम तारा रख दिया। और खूब आनंद और उल्लास का वातावरण वहाँ था, ये मेरे लिए बड़ा अलौकिक अनुभव रहा। और मैं तय करके आई कि जैसे तिरंगा और गंगा के लिए मैंने काम किया, वैसे ही अब गाय के लिए भी काम करूँगी, शायद यही भगवान कार्तिक की प्रेरणा रही होगी। दीदी, जिस तरीके से किसान आंदोलन रथ है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, किसान ही देश को चला रहा है, और इसमें जितनी वो एकजुटता के साथ, तार्किकता के साथ, आग्रहों को छोड़ के बात करेंगे और सामंजस्य बनाएंगे, उनकी बात बन जाएगी, क्योंकि इस देश का तो मालिक ही किसान है। हमारे देश का नाम था धर्म प्रधान प्राण कृषि प्रधान, जब भारतवर्ष का परिचय था वो यही था कि ये धर्म प्रधान, धर्म प्राण और कृषि प्रधान है, यानी धर्म इसके प्राण है और कृषि इसका प्रधान व्यवसाय है, यही भारतवर्ष की पहचान थी। इस दृष्टि से किसान का बहुत महत्व है, और उसकी बहुत छोटी मांगें होती हैं, कर्जदार बहुत हो गया है, आत्महत्याएं बहुत हुई हैं, और बात बहुत छोटी है, समय पे खाद मिले, समय पे बीज मिले, उचित मूल्य मिले और समय पे बिजली मिल जाए, तो किसान कभी कर्जदार नहीं होगा, बल्कि वो कर्जदाता हो जाएगा, देने लग जाएगा लोगों को। ये समस्या को शरद जोशी जी और महेंद्र सिंह टिकैत के समय पर भी बहुत तरीके से उठी थी ये बात, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उन दोनों में ही विवाद हो गया, नहीं तो मेरी अपनी राय में वो किसानों का स्वर्णिम अध्याय था। ऐसा कानून जो है, किसानों को इस तरह का उग्र आंदोलन करना पड़ा, पूरा दिल्ली जाम हो गया है, तो सरकार उनको बाध्य कर रही है वहाँ आके मिले, तो क्या वजह हो सकती है? ठीक कह रही है सरकार, किसान तो सबको खिला रहा है, अन्नदाता है, वो किसी को कष्ट ना दे, और बिना कष्ट दिए अगर सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है तो कष्ट देने की जरूरत भी नहीं है। सरकार का आग्रह और निमंत्रण बिल्कुल ठीक है, मैं भी किसानों को यही अपील करूंगी, मैं तो सच्ची में किसान की बेटी हूँ, कई लोग तो खेत झांके भी नहीं होते हैं, कह देते हैं हम किसान के परिवार के हैं, मैं तो हूँ ही किसान के परिवार की, आज भी मुझे अपने गांव पे जाके रुकना है। सरकार किसानों की मांग क्यों नहीं मान ले रही सरकार? मैंने आपको कहा ना कि किसान की जो समस्या है उसके पॉइंट तय हैं, लेकिन व्यापकता बहुत है, उसके लिए बहुत संवेदनशीलता, बहुत धैर्य से किसानों को अपनी बात कहनी होगी, अधैर्य और इस प्रकार का जो तरीका है उससे बात ठीक से फिर होती नहीं है।